राधे राधे दोस्तों, आज हम पनीर की भुजिया बनाएंगे। इसे पनीर भुर्जी भी कहते हैं। जिसके लिए हमने ये लिया 250 ग्राम पनीर है, इसको कद्दूकस कर लिए हैं। आप मैसर से मैश भी कर सकते हैं। 7-8 लहसुन की कलियां हैं, इसको बारीक हमने काट लिया है। हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी आपको बारीक काटना है। 1 इंच से थोड़ा सा कम अदरक का टुकड़ा है, इसको भी महीन काट लेना है। यह मटर लिए हैं, 100 ग्राम हमारी मटर है। मटर को बॉयल कर लेना है। मटर को जब भी आप बॉयल करिए तो थोड़ा सा हल्दी, एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल के, 250 ग्राम मटर है तो भी एक चुटकी हल्दी पाउडर और नमक डाल के बॉयल करेंगे तो मटर बहुत देर तक हरी बनी रहेगी। एक टमाटर है, टमाटर को भी बारीक काट लेना है। टमाटर का छिलका उतार के काटना है जिससे कि ये पूरी तरह से गल जाए, क्योंकि टमाटर का छिलका कड़ा होता है, गल नहीं पाता है। और ये 2 प्याज है मीडियम साइज़ की, इसको भी महीन काट लेना है। 1 तेज़पत्ता है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर छोटे चम्मच से है बिल्कुल, आधा चम्मच इस चम्मच से आधा चम्मच। ये सब्जी मसाला है, गरम मसाला का प्रयोग हम नहीं करेंगे इसमें, जिससे कि ज़्यादा मसाले का फ्लेवर ना आए। तो इस चम्मच से, जो चम्मच हम लिए हैं इससे आधा चम्मच के लगभग सब्जी मसाला है। काश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। काली मिर्च और जीरा, काली मिर्च को हमें खड़ी रखना है। 1 तेज़पत्ता हमने लिया है। इस सब्जी को हम रिफाइंड में बनाएंगे, क्योंकि सरसों के तेल में पनीर की सब्जी बहुत अच्छी नहीं लगती है हमें। आप चाहें तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी कढ़ाई की तरफ आते हैं। गैस हम ऑन कर लिए हैं। कढ़ाई में 3 चम्मच तेल हमने डाल दिया है। तेल अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, हल्का गर्म हुआ है अभी। अब हम इसमें 3 तेज़पत्ता डाल देंगे। कभी भी आप कढ़ाई में कोई चीज़ बना रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से, क्योंकि कभी कभी मिर्ची का बीज छिटक आता है। जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसी के साथ प्याज भी ऐड कर देंगे। यदि आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो केवल अदरक हरी मिर्च के साथ भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी। प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें भूनना है इसे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। लहसुन, प्याज, अदरक सभी चीज़ें हमारी भून चुकी हैं, इतना ही हमें भूनना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे कटा हुआ। इसी समय हल्दी डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, सब्जी मसाला। दोस्तों मसाले का प्रयोग आपको बहुत ही कम करना है, इससे बहुत ही मसाले का टेस्ट ना आए। नमक स्वाद अनुसार, और जो मटर हमने बॉयल करके रखी है वो मटर डाल देंगे। मटर जब भी डालें इसमें तो मटर आप बॉयल करके ही डालें, जिससे बहुत ज़्यादा हमें ना पकाना पड़े। इसको चला करके हम 2 मिनट के लिए गैस धीमी करके ढक देंगे, जिससे मसाले हमारे पक जाएं। 2 मिनट हो गए हैं, खोल के चेक कर लेते हैं। मसाले से हमारे महकारी मसाला भुन चुका है, क्योंकि हमने सूखा मसाला डाला है इसलिए मसाला हमारा जल्दी भुन गया। इसमें मसाला सूखा ही डालना है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। इसको 2 मिनट के लिए गैस मीडियम करके ढक देते हैं, जिससे सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, गैस हम बंद कर देते हैं। सब्जी चेक कर लेंगे। पनीर की सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। सेम वही मसाला, वही चीज़ें रहती हैं, लेकिन तरीका बदलने से स्वाद बदल जाता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पनीर की भुजिया बनकर के तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। 1 मिनट दें।
दोस्तों हमारी पनीर की भुजिया बनकर के तैयार है। धनिया की पत्ती का इस्तेमाल हमने नहीं किया है क्योंकि बरसात के सीज़न में धनिया की पत्ती का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरह से पनीर की भुजिया पढ़ने वाले बच्चे भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे किसी नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।